ना महिलाओं की बात नहीं करती। मजे की बात तो ये है कि मैं तो अपने यूट्यूब पर हमेशा महिलाओं की, बच्चों की, अंकल की, आंटी की, पुरुषों की, बेटियों की, बच्चों की, सबकी, खुद की भी बातें करती हूँ, अपने घर की छोटी छोटी बातें बताती हूँ आपको। मैं आपको एक बात बताऊँ, आप में से किसी ने कहा कि हमें बहुत सारे गहने चाहिए, ये वीडियो उनके लिए है। क्या आपको भी गहने चाहिए? सोने के, चांदी के, हीरे के, किसको गहने नहीं चाहिए होते हैं? और आपको भी अगर गहने चाहिए तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। सबसे पहले, क्या आप जेवर नहीं खरीद पाते? और अगर आप खरीद लेते हैं तो आपके जेवर बिक जाते हैं? क्या आप उस कैटेगरी में से हैं? अगर आप उस कैटेगरी में से हैं कि हाँ जी राखी जी अब तो बिक गए, कम से कम ये बात दोबारा ना हो, तो इस वीडियो को टिल एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि महा उपाय तो मैं आखिरी में ही बताऊंगी। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, और इस वक्त आपका अपना और मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप। तो देखिए 2020 में मुंह से भी ये निकलने लगा है, आप अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैंने अपने आप को डिलीट ही कर दिया, क्योंकि मैंने अपने आप को आप में विनय कर लिया। आप ही हैं मेरा परिवार, आपको शश्वत नम, शश्वत प्रणाम, शश्वत कोटि कोटि प्रणाम और बहुत सारा प्यार। चलिए नजर डालते हैं। सबसे पहली बात तो, अगर आपको सोने के गहने पहनने का शौक है और आप चाहते हैं कि आपकी अलमारी सोनों के गहनों से भरी रहे, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और ऐसा कौन नहीं चाहती, हर स्त्री ऐसा ही चाहती है। लेकिन आज की तारीख में गहने किस काम के? चेन पहन कर जाओ तो बाइक वाले छीन लेते हैं, चूड़ी भी पहनकर अगर आजकल जाओ तो लोग चक्कू रखकर चूड़ी निकाल लेते हैं। असली असली नहीं लगता, नकली नकली नहीं लगता। मैं आपको यकीनन बता रही हूँ कि हीरे का तो ये हाल है कि जो लोग असली पहनते हैं वो नकली लगता है, और जो लोग नकली पहनते हैं वो असली लगता है। तो समझ ही नहीं आता कि असली क्या है, नकली क्या है, ऊपर वाला जाने। आपको मैं बता दूं, सबसे पहले तो आप खूब जेवर पहनिए, चाहे नकली पहनिए चाहे असली पहनिए। अगर आपको असली जेवर पहनने हैं और हर रोज उन जेवरों को पहनते हुए मन में ये कामना कीजिए कि प्रभु आज मैं नकली पहन रही हूँ, मेरे जल्दी से असली बनवा दे, तो क्या किया आपने, ब्रह्मांड में पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजनी शुरू करी। और जिन महिलाओं के पास असली जेवर हैं और उन्होंने उसे लॉकर में रखा हुआ है, वो पहनती नहीं, तो उनके आने वाली जो सदी है, आने वाला जो परिवार है, उन्हें जेवरों का सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास जो है उसका तो आप अपमान कर रहे हैं। तो जेवरों को निकालना और पहनना, अदला बदली बहुत ज़रूरी है। जिस जेवर को भी आप पहने, अगर आपने सोना खरीदा है, चांदी खरीदा है, अगर आप नए जेवर खरीद के ला रहे हैं, तो पहले लक्ष्मी जी को पहना दीजिए, माँ दुर्गा को पहना दीजिए, राधा रानी को पहना दीजिए, फिर उनसे कहिए आप मुझे उधार दे दो। जो भी जेवर आप खरीद के ला रही हैं उसे पहले चने की दाल के अंदर रखिए, तो आपके जेवर बिकेंगे नहीं। और उसके बाद उस चने की दाल को में से जेवर निकाल कर पहन लीजिए और वो चने की दाल पंडित को दान कर दीजिए, तो आपके जेवर कभी बिकेंगे नहीं। हर वक्त आभूषण खरीदने का सोचिए और आभूषण खरीदने के लिए पैसे भी जोड़िए। आपके पैसे जुड़ने शुरू होंगे और आभूषण खरीदेंगे। लेकिन हम करती क्या है महिलाएं, अब कहाँ जेवर खरीदेंगे, राखी जी 40,000 जेवर हो रहा है, अब वो दिन लद गए, मेरी माँ ने मुझे इतना बड़ा सेट दिया था, सब बिक गया। हम सिर्फ जो बीत चुका है उसका ही रोना रोते रहते हैं, आगे का सोचते ही नहीं। तो खरीदने के लिए जेवर पहले मन बनाओ, कोशिश करो और जेवर खरीदने के लिए पैसे जोड़ना शुरू करो, चाहे छोटी मोटी किट्टी डालो। घर में कम से कम 5 किलो गेहूं हमेशा रखो। गेहूं का आटा पिसवा लो, फिर गेहूं लाओ, फिर आटा पिसवा लो, पर गेहूं घर में होगी तो जेवर जरूर आएगा। पहले जमाने में 100-100 किलो गेहूं हमारे बड़े बुजुर्गों के घर में होती थी और कभी पैसे की कमी और जेवरों की कमी उस घर में नहीं होती थी। खरा सोना पहनती थी हमारी माएँ, दादियाँ, नानियाँ, तो घर में गेहूं होनी चाहिए। जेवर बाजार से लाते वक्त कोई भी पीली चीज साथ खरीद कर जरूर लाएं, चाहे वो बेसन हो और चाहे वो चने की दाल हो और चाहे वो हल्दी हो। खाली जेवर खरीद कर कभी घर ना लौटें। जो चीज उसके साथ खरीद के ला रहे हैं उसमें जेवर रखिए और अगले दिन उसे पंडित को दान कर दीजिए। नए जेवर सबसे पहले बृहस्पतिवार वाले दिन ही पहनिए, उसके सिवा मत पहनिए। जेवर घर में पहले बुजुर्गों को पहनाइए। मम्मी आपके बेटे ने मुझे ये ला कर दिया है, लेकिन पहले आप पहनकर इसमें अपने शरीर की वाइब्रेशंस दे दो, फिर मैं कल पहन लूंगी। आपका मन हो 4 दिन पहन लो, आपको पसंद है आप रख लो। कितनी बहुएं आज ऐसा कर पाती हैं, मुश्किल से 4 या 5। जेवर खरीदना यकीनन आज भी भाग्य और सौभाग्य की बात है, और भाग्य और सौभाग्य को हम अपनी वाणी से बनाते हैं। लेकिन आप वाणी से कितना अच्छा बोलते हैं, कितना सच्चा करते हैं, क्या कर पाते हैं? जवाब है शून्य, निल बटा निल। तो पहले खुश रहिए, मस्त रहिए और सोचिए, और हमेशा बड़ा सोचिए, अच्छा सोचिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, परमपिता परमात्मा, मेरे जितने भी व्यूअर्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, थंब दिखा रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, हे लक्ष्मी माँ धन बरसा दो और जेवर बरसा दो, ऊपर से लेकर नीचे तक जेवरों के कपड़े पहना दो, ऐसा वाइब्रेशंस मैं आपको देती हूँ। खूब जेवर मिले आपको, भरपूर जेवर मिले आपको, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। लेकिन सबसे बड़ा जेवर होता है नाक की लौंग, जितनी बड़ी पहन सकते हो उतनी बड़ी पहनो और पहनकर मुझे फोटो भी खींचो। आई लव यू ऑल गाइज। फिलहाल दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, जल्द होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।
हूँ।